नमस्कार, मैं अभिनय आकाश और आप देखना शुरू कर चुके हैं प्रवास अक्ष के स्पेशल शो मातृभूमि। हर साल लाखों बच्चे भारत छोड़कर बाहर की यूनिवर्सिटी में अपनी पढ़ाई पूरी करने के लिए जाते हैं। ऑक्सफोर्ड, हार्वर्ड, न्यूयॉर्क यूनिवर्सिटी जैसे कई विश्वविद्यालय पूरी दुनिया में फेमस है। लेकिन हजारों साल पहले कहानी कुछ और थी। जब दूसरे देशों से लाखों विद्यार्थी अपनी शिक्षा पूरी करने के लिए भारत आते थे, तब शिक्षा का केंद्र कोई फॉरेन यूनिवर्सिटी नहीं बल्कि प्राचीन भारत के सबसे पुराने विश्वविद्यालयों में से एक नालंदा था। नालंदा शब्द तीन संस्कृत शब्दों से मिलकर बना है, ना, आलम, दा, जिसका मतलब है अनस्टॉपेबल फ्लो ऑफ नॉलेज। अपने नाम की तरह से ही ये यूनिवर्सिटी प्राचीन भारत की एक ऐसी जगह थी जहां ज्ञान का असीम भंडार था। लगभग 57 एकड़ के एरिया में फैले इस विश्वविद्यालय में लिटरेचर, मेडिसिन, गणित, धर्मशास्त्र और लॉजिक जैसे कई विषय पढ़ाए जाते थे। लेकिन फिर आया 1193 का साल। उस महाविद्यालय की हर इमारत को आग ने अपने साये में ढक लिया था। हर तरफ तबाही मची हुई थी। मंदिर, मठ और लाइब्रेरी सब जल रहे थे। वो लाइब्रेरी इतनी विशाल थी कि वहाँ के दूसरे हिस्से में लगी आग तो कुछ दिनों में बुझ गई, लेकिन लाइब्रेरी 3 महीने तक चलती रही। करीब 90 लाख ग्रंथ और पुस्तकें जिनमें आयुर्वेद से लेकर अंतरिक्ष तक सबका ज्ञान था, सभी कुछ इस भीषण आग में जलकर खाक हो गया। इन सब के पीछे एक जालिम शासक और उसकी असुरक्षा की भावना का हाथ था, जिसकी लगाई हुई आग ने ज्ञान के इतने बड़े भंडार को जलाकर खाक कर दिया। इटली की बोलोनी यूनिवर्सिटी, जिसे आज दुनिया की सबसे पुरानी यूनिवर्सिटी कहा जाता है, लेकिन हमारी कहानी उससे भी 500 साल पुरानी है। ये कहानी नालंदा यूनिवर्सिटी की है। ऐसे में आज आपको बताते हैं आखिर इसका इतिहास क्या था, नालंदा यूनिवर्सिटी को क्यों तबाह किया गया, वर्तमान समय में इसकी हालत क्या है। खिलजी ने किया आग के हवाले। 1193 ईस्वी में बख्तियार खिलजी के नेतृत्व में मामलुक के नाम से प्रचलित तुर्की मुस्लिम आक्रमणकारियों ने नालंदा को लूटा और नष्ट कर दिया। नालंदा विश्वविद्यालय का महान पुस्तकालय इतना विशाल था कि इसमें 9 मिलियन से अधिक पांडुलिपियों के बारे में बताया गया था। पारंपरिक तिब्बती स्रोतों के अनुसार नालंदा विश्वविद्यालय में पुस्तकालय 3 बड़ी बहुमंजिला इमारत में फैली हुई थी। इसमें से एक इमारत में 9 मंजिलें थी जिसमें सबसे पवित्र पांडुलिपियां थी। आक्रमणकारियों द्वारा इमारतों में आग लगाने के बाद 3 महीने तक पुस्तकालय जलता रहा। मुस्लिम आक्रमणकारियों ने तोड़फोड़ की और मठों को नष्ट कर दिया, भिक्षुओं को वहां से खदेड़ दिया। नालंदा विश्वविद्यालय किसने बनवाया, संस्थापक कौन था? प्राचीन मगध साम्राज्य यानी आधुनिक बिहार में स्थित नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना 5वीं शताब्दी ईस्वी में हुई थी। नालंदा राजगृह शहर या वर्तमान राजगीर, पाटलिपुत्र या वर्तमान पटना के करीब स्थित था। दुनिया के पहले आवासीय विश्वविद्यालय के रूप में प्रसिद्ध इसने चीन, कोरिया, जापान, तिब्बत, मंगोलिया, श्रीलंका और दक्षिण पूर्व एशिया सहित दुनिया भर के विद्वानों को आकर्षित किया। नालंदा में पढ़ाए जाने वाले विषयों की चिकित्सा, आयुर्वेद, बौद्ध धर्म, गणित, व्याकरण, खगोल विज्ञान और भारतीय दर्शन शामिल थे। यह विश्वविद्यालय 8वीं-9वीं शताब्दी के दौरान पाल राजवंश के संरक्षण में फला फूला और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर ख्याति प्राप्त की। नालंदा का स्थायी प्रभाव मुख्य रूप से गणित और खगोल विज्ञान में इसके महत्वपूर्ण योगदान के तहत देखा जाता है। दिलचस्प बात यह है कि भारतीय गणित के प्रणेता और शून्य के आविष्कारक आर्यभट्ट 6वीं शताब्दी ईस्वी के दौरान नालंदा के प्रतिष्ठित शिक्षकों में से एक थे। विश्वविद्यालय में प्रवेश आज के शीर्ष कॉलेजों जैसे IIT, IIM या आईवी लीग संस्थानों जितना ही कठिन था। छात्रों को कठोर साक्षात्कारों का सामना करना पड़ता और जिन लोगों ने प्रवेश प्राप्त किया उन्हें धर्मपाल और सिलभद्रा जैसे सम्मानित बौद्ध गुरु द्वारा निर्देशित विद्वानों के एक समूह द्वारा सलाह दी गई। विश्वविद्यालय की लाइब्रेरी, जिसे धर्मगुंज या सत्य का पर्वत नाम से जाना जाता है, में 9 मिलियन हस्तलिखित ताड़ के पत्तों की पांडुलिपियां थी जो इसे बौद्ध ज्ञान का दुनिया का सबसे समृद्ध भंडार बनाती है। नालंदा विश्वविद्यालय का पुनरुद्धार। अपनी विरासत को पुनर्जीवित करने के लिए 2006 में पूर्व राष्ट्रपति डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम द्वारा नालंदा विश्वविद्यालय को फिर से स्थापित करने का विचार प्रस्तावित किया गया। 2010 में नालंदा विश्वविद्यालय विधेयक के पारित होने के साथ इस दृष्टिकोण को गति मिली, जिसने 2014 में इसका परिचालन राजगीर के पास एक अस्थायी स्थान से शुरू किया। पूर्व राष्ट्रपति डॉक्टर प्रणब मुखर्जी ने 2016 में राजगीर के पिलखी गांव में स्थायी परिसर की आधारशिला रखी थी। निर्माण 2017 से शुरू हुआ, जिसका समापन नए परिसर के उद्घाटन के साथ हुआ। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नालंदा विश्वविद्यालय के परिसर का उद्घाटन किया। मौजूदा विश्वविद्यालय केवल 1 दशक पुराना है, लेकिन लगभग 12 किलोमीटर दूर इसी नाम के नालंदा महाविहार के खंडहर हैं, जो प्राचीन दुनिया में ज्ञान के सबसे महान केंद्रों में से एक था। संभवतः आम युग से पहले एक छोटे विहार यानी बौद्ध मठ के रूप में शुरू हुआ था। 5वीं शताब्दी ईस्वी तक महाविहार यानी महामठ, महान मठ बन गया।
अपने चरम पर इसने दर्शन और धर्म से लेकर व्याकरण चिकित्सा तक के विषयों में अध्ययन करने वाले हजारों छात्र और शिक्षक रहा करते थे। न्यू नालंदा विश्वविद्यालय परिसर की विशेषताएं 100 एकड़ में फैली है। नया परिसर पर्यावरण अनुकूल वास्तुकला को प्राचीन वास्तु सिद्धांतों के साथ ही एकीकृत करता है, जिसमें शुद्ध शून्य कार्बन पदचिन्ह सुनिश्चित होता है। मुख्य विशेषताओं में शामिल है जैसे 1900 छात्रों के लिए 40 कक्षाओं वाले दो ब्लॉक, 300 से अधिक की संयुक्त बैठक की क्षमता, दो सभागार, 550 छात्रों के लिए छात्रावास, संकाय के लिए 197 शैक्षणिक आवास इकाई, खेल परिसर, चिकित्सा केंद्र, व्यावसायिक वाणिज्यिक केंद्र और संकाय क्लब जैसी सुविधाएं। सितंबर तक 3,00,000 पुस्तकों और 3,000 उपयोगकर्ताओं की क्षमता वाले पुस्तकालय को पूरा करने की योजना बनाई गई। नालंदा विश्वविद्यालय में स्कूल और केंद्र विश्वविद्यालय वर्तमान में 6 स्कूल संचालित करता है, जिसमें बौद्ध अध्ययन, ऐतिहासिक अध्ययन, पारिस्थितिक सतत विकास, भाषाएं, साहित्य, अंतर्राष्ट्रीय संबंध शामिल है। इसके अतिरिक्त यह बंगाल की खाड़ी अध्ययन, इंडो फारसी अध्ययन, संघर्ष समाधान और एक समान अभिलेख संसाधन केंद्र में विशेषज्ञता वाले 4 केंद्रों की मेजबानी करता है। नालंदा विश्वविद्यालय स्नातकोत्तर और डॉक्टरेट अनुसंधान पाठ्यक्रम, अल्पकालिक प्रमाण पत्र पाठ्यक्रम और अंतर्राष्ट्रीय छात्रों के लिए छात्रवृत्ति सहित कई कार्यक्रम प्रदान करता है, जो वैश्विक शैक्षणिक उत्कृष्टता के प्रति अपनी प्रतिबद्धता को भी दर्शाता है। अगर आप भी लेना चाहते हैं देश दुनिया की तमाम जानकारी, तो आज ही सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को, साथ ही नीचे दिए बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि हर अपडेट आप तक पहुंच सके।